Hello everybody, this is Melinder, Life Coach and Mind Hypnotism Channel Canada. दोस्तों आज हम एक जनरल सा टॉपिक है उस पर बात करेंगे, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट. और टॉपिक है इमोशनल रिग्रेट्स. हमारे रिग्रेट्स, कई बार हम पछताते हैं, काश कि मैंने ऐसा किया होता, काश कि मैंने ऐसा कहा होता, काश कि मैंने ऐसा जिया होता. कितने काश 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 हमारे होते हैं. तो एक बुक है, किसी ऑस्ट्रेलियन राइटर, एक नर्स थी, 45 years उसने हॉस्पिटल में काम किया, उस यूनिट में काम किया जहाँ लोग मर रहे होते हैं. तो उसने रिटायरमेंट के बाद अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक बुक लिखी अबाउट इमोशनल रिग्रेट्स, एक्सपीरियंस है लोगों का जो रियल एक्सपीरियंस है. तो उसमें एक दो या तीन बातें कॉमन उसने बताई कि जब लोग मर रहे होते हैं तो मोस्टली उनकी क्या फीलिंग्स होती है. क्योंकि जब इंसान अपनी लास्ट स्टेज पे होता है, मैं भी हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज ए नर्स, तो हमारा भी एक्सपीरियंस होता है कि उस वक्त उनका जो माइंडसेट है वो कैसा होता है. एक मरता हुआ इंसान बहुत सच्चा होता है, झूठ नहीं बोलता उस वक्त वो. एंड जब कोई इंसान अपने लास्ट स्टेज पे होता है, उस इंसान ने कैसी लाइफ जी हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है. तो उस बुक में उस लेडी ने बताया कि मोस्टली जब लोग अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं तो उनको रिग्रेट होता है कि जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया नहीं, जैसी लाइफ वो जीना चाहते थे खुद उन्होंने जी नहीं. वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे जो उन्होंने किया नहीं, वो किसी को ना करना चाहते थे, नहीं कहना चाहते थे लेकिन कहा नहीं, कुछ चीजों के लिए जैस कहना चाहते थे कहा नहीं. तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों. जो इमोशनल रिग्रेट्स, इसी को कहा गया कि बहुत सारी इमोशंस पे हमने वर्क करना था, उनको एक्सप्रेस करना था, उनको लेट गो करना था, लेकिन हमने किया नहीं. कभी कभी दूसरों का प्रेशर इतना होता है कि हम अपनी लाइफ आप नहीं जीते, हम अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीते हैं लेकिन हम जीते नहीं हैं, सिर्फ गुजार देते हैं. कभी कभी हम गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, हम खुल के जीना चाहते हैं लेकिन हम जीते नहीं हैं, बिकॉज प्रेशर ऑफ द सोसाइटी या इमेज. हम एक इमेजिनरी इमेज बनाई हुई है अपनी और हम उस इमेज से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम खुद के साथ बेइंसाफी करते हैं. इसकी एक एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली मेरे माइंड में आती है, जब मेरे जहन में आती है, कि ऐसा माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप रिलीजियस हैं, तो आप बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, आप हमेशा चुप रहते हैं, आप कम हंसते हैं, कम बोलते हैं, लोगों के साथ मिंगल नहीं होते. तो क्या होता है कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है, समटाइम्स वो जीना चाहते हैं खुल के, लेकिन क्योंकि एक इमेज क्रिएट कर ली है उन्होंने, तो वो डरते हैं उस इमेज को तोड़ने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, ये स्पिरिचुअल पर्सन गा रहा है, ये स्पिरिचुअल पर्सन नाच रहा है, डांस कर रहा है, ये स्पिरिचुअल पर्सन क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए. तो उससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि जिन चीज़ों को हमने एक्सप्रेस करना था उन चीज़ों को हमने अंदर ही दबा दिया सिर्फ शो ऑफ करने के लिए.
तो ना तो ऐसा स्पिरिचुअलिज्म सही मायने में स्पिरिचुअलिज्म है, ना तो हम स्पिरिचुअल हो पाते हैं और ना ही हम जी पाते हैं। कितनी बार हम वेट करते हैं कि कोई हमें कहेगा कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो तो डांस करो ना, हम करना चाहते हैं और हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई और हमें कहे फिर हम करेंगे। हम डरते हैं इनिशिएट करने से, जो कि बाद में एक ब्लॉक बन जाता है, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी बीमारियों का रीजन बन जाता है दीज ब्लॉक्स। कितनी बार हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम डरते बोलते नहीं, एक डर, एक कंडीशनिंग, और हम उस डर को इतना दबाए रखते हैं कि वो डर हमारे साथ ही चल रहा होता है हर रिश्ते में हर जगह, और वो डर हमें जीने से ज़िंदगी को एंजॉय करने से रोक रहा होता है। प्रैक्टिकली बातें कर रही हूँ मैं आपसे, ऐसा होता है लोगों के साथ। कितनी बार हम किसी को कहना चाहते हैं कि हम आपको या आपकी आदतों को हम पसंद करते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं कि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा हमारे बारे में, एक्सप्रेस नहीं करते फीलिंग्स, ना तो हम अपनी जो नेगेटिव कुछ अंदर चल रहा है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, और ना ही पॉजिटिव जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में वो भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इमेज, ईगो, जो हमने एक फॉल्स इमेज बनाई हुई है अपनी, और हम उस इमेज के साथ इतना अटैच्ड हैं कि हम खुद को सफर कराते हैं। तो अगेन माय पॉइंट इज कि हमें अपनी लाइफ किसी ना किसी दिन जीना शुरू करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाएं, इससे पहले कि हम भी उन लोगों की गिनती में आ जाएं जो आखिरी वक्त पर रिग्रेट करते हैं कि काश कि मैंने ऐसा किया होता, काश कि मैंने गाया होता, काश कि मैंने खुल के डांस किया होता, काश कि मैंने अपने शौक पूरे किए होते जो मेरा पैशन है जिसको मैंने एंजॉय करना था, काश कि मैंने अपनी लाइफ अपने लिए जी होती, किसी को दिखावे किसी दिखावे के बिना, किसी औरों को प्लीज करने के बिना, काश के ऐसा किया होता। तो मैं तो नहीं चाहती ऐसी लाइफ जहाँ मुझे काश कहना पड़े मेरी लाइफ के एंड वाले दिनों में। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, या आप ने क्या उन लोगों को देखा जिन्होंने लाइफ खुल के जी और मरते वक्त जिनका कोई रिग्रेट नहीं था, जा उन लोगों के बारे में जिन्होंने लाइफ गुजार तो दी लेकिन रिग्रेट के साथ। आप अपने जो व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, प्राइवेट क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन लिखकर भेजिए। मीन टाइम बी ट्यून विद मी ऑन माई फेसबुक पेज, Instagram, LinkedIn and my website themindhypnotism.com. Be blessed. Take care of your health, mind and body.